जिला गोरखपुर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों की हितैषी रही है। बेरोजगारों के रोजगार देने की बात हो या किसानों की समस्याओं की बात हो, कांग्रेस ने उनकी बातों को सुना, जिसका जीता जागता उदाहरण 3 राज्यों में कांग्रेस का सरकार होना है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, पूर्व महानगर अध्यक्ष के ऊपर था रिलायंस पेट्रोल पंप के पास, उनको बेवजह हत्या के लिए जो उनको मारा गया, कार्रवाई होती है, उचित कार्रवाई नहीं होती है। तो जो रिलायंस के कर्मचारी हैं या जो भी वो सहयोगी हैं जिन्होंने उनको मारा, उनको जब हम मुद्दे की बात करेंगे तो वो अनावश्यक रूप से तमाम ऐसी 45 किलो की कर दी गई, उसके बाद खाद उपलब्ध न होना, बिचौलियों के माध्यम से महंगा खाद मिलना, और मेरा जहां तक मानना है कि ये कालाबाजारी बिना उच्च संरक्षक के नहीं हो सकती, तमाम किसानों गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान न होना, जो उनके बकाया है उसका भुगतान न होना, और जब किसान बातें करेगा तो यहाँ के मुखिया कहेंगे कि किसान गन्ना न बोए, गन्ने से शुगर होता है। इस तरीके से उनकी समस्याओं को अनदेखी करना ये कांग्रेस को कदापि बर्दाश्त नहीं है। हम लगातार जन आंदोलन करते रहेंगे, जब यहाँ की जनता विकास की बातें करेगी तो वो गाय गंगा गोबर और तमाम अनावश्यक पुराने मुद्दों को उखाड़ के लाके उन बातें करना चाहेंगे। हम विकास के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं, हम बेरोजगारों को रोजगार दे के हम चुनाव जीतना चाहते हैं। हम कदापि धर्म और जाति को आपस में बांट कर लोगों को भाई को भाई को लड़ाकर सत्ता हासिल करने के न पक्षधर रहे हैं और न पक्षधर रहूँगा। हमारे देखा आपने 5 राज्यों में चुनाव हुए, किस तरीके से बीजेपी का सफाया हुआ और कैसे हम विकास की बातें करके हमारे नेता वहाँ के जन समस्याओं को लगातार उठा के हम 3 राज्यों में बड़े राज्यों में हमने सफलता हासिल की, और इसी तरीके से विकास की बातें करके हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरीके से जनता परेशान है, जिस तरीके से बेरोजगार परेशान है, जिस तरीके से महिलाएं और छोटे व्यापारी परेशान है, हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। हम लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से हम देख रहे हैं, ब्लॉकों में जाकर रात में रहते हैं और लोगों से बात करते हैं कि जनता आने वाले दिनों में बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं करेगी, वो केवल और केवल कांग्रेस का सरकार चाहती है। उसने कांग्रेस को देखा है, कांग्रेस को समझा है और पुनः वो ऐसी गलती नहीं, उसको माफ न कर सकेगी।